नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवीय। आप देख रहे हैं H24। H24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक फिल्म का यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है, गोरैया लाइव, जो कि भोपाल के कलाकारों द्वारा लिखी गई, राइटरों द्वारा लिखी गई, प्रोड्यूस भी इन्हीं के द्वारा की गई है और बहुत अच्छी फिल्म है ये। इस फिल्म को आप सब लोग देखिए। हम कलाकारों की टीम से आप मिलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम गोरैया से मिलते हैं। बेटा, नाम अपना? मेरा नाम अजय सिंह है और मैंने इस मूवी में मेन लीड रोल किया जो बच्चा बोरवेल के अंदर गिर जाता है। क्या अनुभव किया तुमने? बहुत अच्छा अनुभव था, चैलेंजिंग था बहुत, क्योंकि इसमें कुछ अलग टाइप की लैंग्वेज यूज़ करी है, यूपी टच लैंग्वेज, एंड ये उस बच्चों के ऊपर है जो बोरवेल के अंदर गिर जाते हैं। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोरवेल के अंदर गिर जाते हैं, पर उनके जो माँ बाप होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा बोरवेल के अंदर गिर गया है। वो ढूंढते रहते हैं। ये इस मूवी में हमें ये दिखाया गया। तो आपने छोटी बच्ची को देखा, इन्होंने गोरैया का रोल किया है। अब हम सबसे पहले जो राइटर है, जो फिल्म की बुनियाद है, जिन्होंने फिल्म लिखी है, क्योंकि फिल्म लिखने के बाद ही उसको पर्दे पर उतारी जाती है, तो हम क्या समझकर आपने इस फिल्म को लिखा? जी देखिए, फिल्म लिखी है हम दो लोगों ने, गैब्रियल वर्ट्स जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और मैंने इसमें एक किरदार भी किया है बच्चे की माँ का। तो जब वो कैरेक्टर हम लिख रहे थे तो नहीं पता था कि इतनी मार्मिक, मतलब इतना उसमें दर्द होगा जब हम करने उतरेंगे उसको, हम एक्ट करने उतरेंगे। जब हम एक्ट करने उतरे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वो जो पल है ना, वो कितना असहनीय होता है। और जो ये घटना है बोरवेल में बच्चों के गिरने के, अभी आप लोगों को प्रिंस याद है, लेकिन प्रिंस के बाद के कई हज़ार बच्चे अब तक बोरवेल में गिरे हैं, कई बच्चे मर गए हैं। और जैसे आपके चैनल पे लिखा है जिम्मेदार कौन, तो हम यही इसके ज़रिए यही पूछ रहे हैं इस फिल्म के थ्रू कि कौन जिम्मेदार है। हम प्रगति तो कर रहे हैं अपने देश, हम आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पर क्यों बोरवेल के गड्ढे आज भी खुले हुए, क्यों ये हादसे होते ही चले जा रहे हैं? सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सरकार कंट्रोल कर रही है नहीं पता नहीं, लेकिन ये हादसे होने ही नहीं चाहिए। आपने दादी का रोल किया, क्या? बस मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से ये जो गड्ढे खुले रहते हैं, इसके लिए संदेश दिया है कि ऐसे लापरवाही ना करें, जिससे कि जिस तरह से हमने फिल्म में बताया है कि गोरैया लाइव में ये गड्ढे में गिर जाती है, इसको तो हमने बचा लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा अगर गिर जाता है तो उसको निकाल नहीं पाते हैं, है ना, कई घंटे लग जाते हैं, कभी कभी तो जान भी चली जाती है। तो मेरा संदेश यही है कि ये लापरवाही खत्म की जाए। बस चलिए, अब हम यहाँ के जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, इन लोगों से हम मिलते हैं। क्या सर, सर जो प्रोड्यूस करना बहुत बड़ी बात होती है, फिल्म लिख भी लेता है आदमी लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और आपने एक ऐसी घटना के ऊपर फिल्म बनाई है जिसका भरोसा भी नहीं कि फिल्म पैसा वापस रिटर्न कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और इतना बहुत बड़ा आपने रिस्क लिया इस फिल्म को बनाने का, तो क्या उद्देश्य रहा है? तो हमें बहुत भरोसा, एक्चुअली एक सोशल मैसेज है इस मूवी में जिसके लिए हम सब इकट्ठे हो पाए और इसको प्रोड्यूस किया, इसको बनाया। बहुत से कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं जब आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो, बट अगर नीयत अच्छी है तो काम होता है। हम लोग ने सब ने मिल के इसको शुरू किया, धीरे धीरे करके बढ़ाया, और एक बहुत ही सीमित समय में एक बहुत अच्छा पिक्चर मूवी बन के आई है। मतलब जैसे कहना चाहिए कि हम लोगों ने मुश्किल से 12 या 13 दिन का शूट किया होगा, बट 24 आवर शेड्यूल में हम लोगों ने शूट किया। जो मतलब जिस तरह की ज़रूरतें थी जैसे तैसे करके पूरा किया, पैसा लगता है, लगाया है, और उम्मीद ये है कि एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और रिकवरी होगी पैसे की। सर, आप हमने ये मूवी समाज को संदेश देने के लिए बनाई और सब लोगों का इसमें सहयोग रहा। मेरे साथी प्रोड्यूसर डॉक्टर निशान जैन, जिनका अभी आपने इंटरव्यू लिया, राजीव जैन साहब, रणवीर सिंह जी जो अभी किस कारण से आ नहीं पाए, हमारे रोहित राज सिंह चौहान जी, तो सब ने इस मूवी को बनाने के लिए सपोर्ट किया, सहयोग किया। जो बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं तो
तो उन बच्चों को क्या स्ट्रगल होता है ये दिखाने का प्रयास किया हमने, उनको कैसे हम आर्मी के माध्यम से निकालते हैं। इसमें आर्मी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, एनजीओ और ख़ासकर पत्रकार बंधुओं का क्या रोल है वो हमने दिखाने का प्रयास किया। समाज को एक ऐसा संदेश, कोई भी संदेश देने के लिए जो माध्यम होता है या तो होता है पत्रकार लोगों का, मीडिया का, या होता है फिल्म का। तो हम फिल्म के माध्यम से पत्रकार लोगों ने जागृत किया कि वो जो बच्चे बोरवेल में गिरती है, तो हमने पत्रकार लोगों के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया और मीडिया फिल्म के माध्यम से संदेश देने का समाज में प्रयास किया कि जो बोरवेल्स होते हैं उनको सावधानीपूर्वक बंद किए जाए। हम शासन से मांग करते हैं क्योंकि इस फिल्म में मुख्य किरदार जो है, मुख्य भूमिका में जो हम लोग किरदार है आलोक चटर्जी, अदा सिंह जो यहाँ की बहुत अच्छी कलाकार है, और हमारे डॉक्टर निशान जैन जी, आपने भी इसमें भूमिका निभाई है, आपने भी एक्टिंग किया है, तो हम शासन से मांग करते हैं कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें सपोर्ट करें, सहायता करें, ताकि ये फिल्म टैक्स फ्री करके लोगों तक पहुंचे, इस फिल्म को पूरे देश में देखें। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि इस फिल्म को पूरे देश में टैक्स फ्री कराएं ताकि लोग इसको देखें और लोग सावधानी बरतें, जो बिल्डर्स है वो सावधानी बरतें। हमने इसको इस फिल्म में जो संदेश दिया है, किसी को हमने किसी को दोष, मतलब ऐसा प्रशासन या किसी का ऐसा दोष नहीं वो बताया गया है। हम ये चाहते हैं कि इस फिल्म को देख के लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, हमारा यही प्रयास है। थैंक यू। पत्रकार महोदय हमारे साथ खड़ी हुई है, आपने किस तरीके का रोल इसमें पत्रकारिता किस तरीके से निभाई? देखिए, मेन तो मेरा इसमें बहुत छोटा सा रोल है, मैंने इसमें न्यूज़ का ही, जो आप लोग कर रहे हैं यही रोल मेरा इसमें है, न्यूज़ एंकरिंग का रोल किया हुआ है। और साथ ही मैं अदा सिंह की मदर भी हूँ, रियल मदर। रियल मदर तो सीमा जी ने किया है, मैं रियल मदर हूँ। और जब मेरे पास ये आया था कि इसमें इस तरह से, मतलब स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई थी, तो मुझे ये बहुत अच्छा कंटेंट लगा। और मैंने सोचा कि ये मेरी बेटी के लिए, मतलब एक डॉल वाले रोल और बाकी रोल तो बच्चे कर ही लेते हैं, ये एक चैलेंजिंग रोल था जो मेरी बेटी ने किया। तो आई होप सो कि ये बहुत अच्छा जाए और देखिएगा आप। और मैं भोपाल से, सभी भोपाल निवासियों से करती हूँ कि भोपाल की बेटी है, पूरे हाउस जो उसके शोज हैं पूरे हाउसफुल जाने चाहिए। और बस इतना ही, थैंक यू सो मच। इसमें बनाने के लिए क्या क्या चैलेंज मिले हमें फिल्म में? सबसे पहले तो आपने निशान जी से क्वेश्चन किया था कि आपने एक ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बनाई है जिसमें पैसा लौट के आएगा कि नहीं। हेलो, तो हम सबके भाव पैसा कमाना सेकेंडरी है, अभी टीम जो है किसी एक बोरवेल को भी पब्लिक ने या आम जनता ने वापस से बंद कर दिया तो वो हम लोगों की कमाई है। यदि किसी एक आम जनता के हमारा ये सोशल मैसेज पहुंच गया और उसने उस पर अमल कर लिया तो ये इस फिल्म की कमाई है। अब हम, आपका कहना है क्या चैलेंजिंग है? फिल्म बनाना वैसे तो बहुत चैलेंजिंग है और उसके लिए डायरेक्टर और सभी कलाकार बहुत मेहनत करते हैं। कई बार होता है कि हम दो मिनट में कितनी तरह फिल्म ख़राब है, लेकिन उस फिल्म के पीछे कितना एफर्ट लगता है, कितनी मेहनत लगती है, ये एक कलाकार ही जानता है। आपने भी कोई रोल किया है? एक छोटा सा रोल है, हम एक विधायक जी के पीए का रोल किया है। बाकी गाने वगैरह कितने? 5 गाने हैं फिल्म में, बाकी आप फिल्म देखेंगे तो बहुत खुश होंगे और पसंद करेंगे। इसमें जो बच्ची गिरी है बोरवेल में, उसके पिताजी के मित्र का रोल है हमारा, जो बचपन से उसको साथ में देखते आ रहे हैं। हमारे सामने बच्ची गिर जाती है गड्ढे में, तो फिर हम लोग जो पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं और अपनी पूरी मेहनत करते हैं उसको निकालने में, गड्ढा वड्ढा खोदने में, बाजू में मिलिट्री वालों के साथ मिलकर हम लोग उस पूरी प्रोसेस में हम लोग भी साथ रहते हैं। ऐसा कैरेक्टर मेरा कैरेक्टर इसमें जो गोरैया है उनके पिताजी के मैं दोस्त हूँ, वो इसमें पूरे टाइम जो मजदूरी करते हैं उस पर आधारित बनी है। और जो मजदूर बेचारा कहीं से भी आ रहा है उसकी बच्ची गिर जाती है, तो ये उसी पे कैसे बीतती है। बाकी पब्लिक तो बहुत देती है, लेकिन जिस घर में ये घटना घटती है वो तो जिंदा लाश बन के देखते रहते हैं, क्योंकि उनकी बच्ची बोरवेल में पड़ी है, जिंदा है कि मरी है, ऐसे कई घटनाएं घटती हैं। तो सबसे ज़्यादा है कभी भी यहाँ पे गड्ढे खोदे जाते हैं, तो जिनके यहाँ भी गड्ढे खोदे जाते हैं, बोरवेल बनाई जाती है, वो कृपया करके गड्ढे पूर दिया जाए, नहीं तो ऐसे भी कहीं ना कहीं अपने MP में और हर जगह घटना घट सकती है। जी, इसमें मेरा आर्मी के कैप्टन का रोल है और आर्मी आती है, रेस्क्यू करती है
और बहुत सी बुराइयां जो समाज की कुरीतियां हैं वो सामने आएंगी। जैसे कोई अमीर आदमी या कोई सेलिब्रिटी का बच्चा कोई गिर जाए तो पूरी पब्लिक, मीडिया, पुलिस ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है, और एक गरीब के बच्चे के साथ में क्या घटना हुई, कितनी देर लगी, क्या क्या समस्याएं आई, वो सब दिखाया जाएगा इसके लिए। सर, भोपाल के आसपास के कोई सीन शूटिंग कुछ है, कुछ बाहर के कुछ सीन है, भोपाल भी दिखाया जाएगा? जी जी, भोपाल भी दिखाया जाएगा। कुछ जैसे कुछ रोमांटिक सीन है कुछ ऐसे, वो बाहर फिल्माए गए हैं, और बाकी एक ही स्पॉट पे पूरा फिल्म किया और 8 दिन के अंदर ही इसको मतलब पूरा शूट किया। जी, 5 तारीख को आने वाली अप्रैल को रिलीज हो जाएगी। एक शानदार फिल्म आने वाली 5 तारीख को हमारे होली का माहौल है, और होली के एक नाम पहले से ही होली डांस होता है। अरे हमारी महातारी नाच मल जी, ऐसे कोई डांस करना चाहता है अपनी माता पे अपना माता। आइए सीमा जी, आपको बुला रही है, होली में कोई डांस करना चाहता है तो बहुत वेलकम है। तो आपने ये देखें कि सारे कलाकार जो थे ये भोपाल से ही है, और इन्होंने बॉलीवुड की तरह ही बहुत खूबसूरत एक फिल्म बनाई, एक दर्द दिखाया है इस फिल्म के अंदर। और आप 5 तारीख को जब टाकिज में जाएंगे तो आपको इस फिल्म में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इनका संघर्ष देखने को मिलेगा जो आपको टाकिज में 5 तारीख को मिलेगा। आज के लिए इतना ही।